शर्मा के निवास पर पहुंच रहे हैं, जहां रामेश्वर शर्मा की सद्बुद्धि के लिए रामधुन करके प्रार्थना करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां कांग्रेसी इकट्ठा हो चुके हैं और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर रामेश्वर शर्मा के निवास पर वो जाएंगे और वहाँ पहुँच कर रामधुन करेंगे। साथ ही अभी अगर बात करें कि व्यवस्थाओं को लेकर, रामेश्वर शर्मा के बंगले के बाहर चारों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने नज़र आ रही है कि रामेश्वर शर्मा के बंगले के चारों तरफ जो बैरिकेड्स किए हैं, तो उसको लेकर क्या कांग्रेसी वहां तक पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसी के स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाए हैं और स्वल्प आहार की व्यवस्था भी रखी है, लेकिन शासन ने वहाँ बैरिकेड्स कर रखे हैं। कांग्रेसी यहाँ से निकल चुके हैं, आप जिस तरह देख सकते हैं दिग्विजय सिंह। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रामेश्वर शर्मा के निवास की ओर निकल चुके हैं। देखते रहिए टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए। भोपाल से प्रणय शर्मा, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।